हेलो एवरीवन, आई एम सीमा आठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ही ऐसी एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इससे पहले एक थ्योरी आई थी, लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या थी कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस थ्योरी में कुछ कमियाँ थी, जैसे लुईस थ्योरी जो थी वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को नहीं समझा पा रही थी। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट क्यों होती है, ये चीज़ को लुईस थ्योरी नहीं बता पाई। और जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे NH3, H2O, CH4, तो इनकी शेप लुईस थ्योरी नहीं बता पा रही थी। तो इन्हीं सब कमियों को देखते हुए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाई गई। तो आइए देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की शेयरिंग से बनता है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे। इसको हम H2 मॉलिक्यूल के एग्जांपल में देख सकते हैं। जो हाइड्रोजन का एक एटम है उसका 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और H2 मॉलिक्यूल बनाता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है, जो आयोनिक बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जिस तरह से वो ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब ओवरलैपिंग के अलोंग ही इसका डायरेक्शन होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा है उसको हम लोन पेयर बोलेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ओवरलैपिंग अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ कमियाँ थी, जैसे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ना बता पाना, मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और आयनिक प्रॉपर्टीज़ को ना बता पाना, और मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को ना बता पाना। तो इन सब कमियों को देखते हुए बाद में पाउलिंग और स्लेटर ने इसमें कुछ संशोधन किए। आइए अब देखते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोग से बॉन्ड बनाना होता है। ये इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं कि एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है साइडवाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तो इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए SS ऑर्बिटल, SP ऑर्बिटल और PP ऑर्बिटल है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। सेकेंड ओवरलैपिंग है साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो जो साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है वो एक्सिस के अलोंग नहीं होती, जबकि ये वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग को साइडवाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा SS ऑर्बिटल, SP ऑर्बिटल और PP ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जो हाइड्रोजन का एक एटम है दूसरे हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके H2 मॉलिक्यूल बनाता है, ये एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इसमें हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल फ्लोराइड के p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक्सियल ओवरलैप करता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल में
दोनों फ्लोराइड के पी ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और एफ टू मॉलिक्यूल बनाते हैं। आइए अब देखते हैं पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा पी ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इसके एग्जांपल के हम देखते हैं ओ टू का फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 और 2p4, तो इसके पी ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कि पी ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो पी एक्स है वो फुल फिल्ड है लेकिन पी वाई और पी जेड हाफ फिल्ड होते हैं। तो जब दोनों ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए ओवरलैपिंग करते हैं, तो आप डायग्राम में देखिए कि जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो एक्सिस के अलोंग इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है और जो पी वाई ऑर्बिटल है वो इस तरह से लिटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड, जो हमेशा पी ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसे हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और जो पाई बॉन्ड है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में हमेशा sp ऑर्बिटल्स रहेंगे जो एक्सियल ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड में सिर्फ पी ऑर्बिटल रहेगा जो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा। जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल होता है और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है लेकिन पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।